तो भाइयों जैसे कि आपको पता है कि रविंदर सिंह बाटी जी की टिकट काटी गई है बीजेपी द्वारा। तो भाइयों ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी द्वारा इस बार में शिव विधानसभा सीट पर एक बाहुबली क्षत्रिय एक उबता हुआ क्षत्रिय चेहरे को काटा गया है, उससे पहले मानवेंद्र सिंह जसोल। तो भाइयों ये शिव विधानसभा सीट जो बाड़मेर में आती है 2013 से जहाँ से मानवेंद्र सिंह जसोल जहाँ से जीतकर सामने आए थे, जो कि जसवंत सिंह जसोल के बेटे भी हैं। तो भाइयों लेकिन 2018 में बीजेपी ने बाड़मेर लोकसभा में इनकी टिकट काटी और बाद में फिर विधानसभा सीट में भी इनकी टिकट काटी गई, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। ऐसा ही रविंदर सिंह बाटी के साथ किया गया, एक उभरता हुआ चेहरा था। और देखिए कि आपको शिव विधानसभा की जो राजनीतिक है उसको समझना पड़ेगा। तो भाइयों इस वक्त शिव के जो MLA हैं वो अमीन खान हैं, कई बार जहाँ से क्षत्रिय जीते हैं और कई बार अमीन खान जहाँ से 45 वर्ष से राजनीति करते आ रहे हैं और रायपुर वोट बैंक पर उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। पिछली बार भी बीजेपी ने कुमार सिंह सोडा को टिकट दिया था लेकिन वो हार गए थे, क्योंकि इसका मुख्य कारण यही था कि अमीन खान की राजपूत बोर्ड पर एक बहुत अच्छी पकड़ है। पर इस बार भी बीजेपी ने जो टिकट दिया है वो स्वरूप सिंह खारा को दिया है तो वो रायपुर क्षत्रिय हैं, लेकिन देखने की बात यह है कि वो सोडा जी की तरह वो भी हार सकते हैं, क्योंकि वो एक उभरता हुआ चेहरा नहीं है और एक बाहुबली क्षत्रिय दबंग वाली छवि नहीं है उनकी, और राजपूत वोट बैंक पर भी उनकी एक अच्छी पकड़ नहीं है। तो ये वजह हो सकती है कि बीजेपी ने उनको हारने के लिए ही एक क्षत्रिय की टिकट काटने के लिए ही उनको मजबूरी में वहां से खडेरा हो। बीजेपी ने एक उभरते हुए क्षत्रिय चेहरे को खत्म किया है। तो भाइयों इन्होंने पहले उनको बीजेपी ज्वाइन करवाई ताकि उनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी थी पश्चिमी राजस्थान में, किसी भी सीट पर खड़े हो जाते थे उनका जीतना तय था। तो उन्होंने षड्यंत्र रचा और ये षड्यंत्र रचने का जो एक नाम आ रहा है वो गजेंद्र सिंह शेखावत पर आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इस जोधपुर बाड़मेर पश्चिमी राजस्थान में उनसे कोई बड़ा कोई क्षत्रिय चेहरा उभर कर सामने आए और हर बार वो ही MP की टिकट पर बने रहे। तो भाइयों गजेंद्र सिंह शेखावत ने बहुत ही अच्छे से षड्यंत्र रचा और बताया जा रहा है उन्होंने ही इनकी टिकट कटवाकर किसी उम्रदार क्षत्रिय को देने का निर्णय। लेकिन अगर ये बात सच्ची है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सिर्फ MLA के इलेक्शन ही लड़ते और अगर उनको लोकसभा का लड़ना था तो वो बाड़मेर जैसलमेर से भी लड़ सकते थे। बहुत ही गलत काम किया गया है, रविंदर सिंह बाटी का कैरियर खत्म किया गया है। अब 5 साल वो क्या करेंगे बीजेपी में, इतनी देर उनकी जो पॉपुलैरिटी बनी हुई थी ये बीजेपी RSS उसको पूरी तरह से खत्म करने का काम करेगी। ये गजेंद्र सिंह शेखावत ही नहीं पूरी बीजेपी RSS की टीम लगी हुई थी कि कैसे एक उभरते हुए क्षत्रिय चेहरे को खत्म किया जाए।